एक स्कूल में भाषण देते वक्त श्री रतन टाटा जी ने 9 बातें बताई जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पहला, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसकी आदत डाल लो। दूसरा, लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करेंगे, इसलिए पहले उन्हें साबित करके दिखाओ। तीसरा, तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, किसी को दोष मत दो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। चौथा, टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी सीरियल की तरह नहीं होता। सही जीवन में आराम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। पांचवा, लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। छठा, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। सातवा, किसी भी काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। आठवा, दूसरे सफल व्यक्ति से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, पर प्रेरणा लेते वक्त आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। नौवा, दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम सबको अलग अलग मिलते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत के तरीके में सुधार करना चाहिए। दोस्तों, एक एक पल बहुत तेजी से निकल रहा है और आप केवल इंतजार कर रहे हैं। वक्त का निकलना तो तय है, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इस निकलते वक्त के साथ आप बहुत कुछ खोते भी जा रहे हैं। दूसरों की कामयाबी और दूसरों की सफलता के खिस्से कब तक सुनोगे? मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा करके अच्छा जीवन जिए। वक्त को फालतू बर्बाद करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।